हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर्स में। हम देख रहे, अर्लियर लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वंस अगेन इसको हम रिवाइज करने की कोशिश करते कि सर इसको लीनियर को याद करने की, लीनियर का मतलब पढ़ाया था टीचर्स ने, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में उसका इंडेक्स ऑफ वेरिएबल क्या आता है, वन होता है, तो उसे लीनियर कहते हैं। इक्वेशन हम साइन इक्वल यूज है या नहीं देखना पड़ेगा, और टू वेरिएबल जैसे कि हमने देखा था एक्स या तो वाई, पी या क्यू, इस तरह से दो वेरिएबल का पेयर आएगी, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे कि डिग्री, अगर लीनियर इक्वेशन की जगह पे अगर डिग्री सपोज मान लो कि टू आती है, तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, और इस टॉपिक में हमें क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं है, लीनियर की सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो अगर रिविजन का पार्ट करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो हम इस तरह से देख सकते हैं 2x+4y = 9। यहाँ पे देखो x और y टू वेरिएबल ये सेटिस्फाइड करे, यहाँ पे इक्वेशन है, दैट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, और लीनियर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, सो दैट इज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर कल हमने कुछ बातें की थी अबाउट द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को गाइस मैंने याद दिलाया था, इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, करेक्ट। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू। तो इस केस में एक्स की वैल्यू आप एक ले कुछ आ सकती है, वाई की वैल्यू कुछ अलग आ सकती है, तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो इक्वेशन को, हर एक लीनियर इक्वेशन को इंडिविजुअली बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते। तो सर हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना था, कल मैंने याद दिलाया था वो, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो याद कर लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सर साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है अगर हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ कंसिडर करते या समझते या मानते हैं। जैसे कि सपोज मान लो 2x+3y = 9 एंड 4x+9y = 11। सो ये देखो, ये दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन अनदर, मतलब सेम वेरिएबल। तो इन दोनों को जब हम साथ में पढ़ेंगे और इसके अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट, इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये अर्लियर वीडियो में कवर किया है, अगर किसी को प्रॉब्लम है इसके बारे में डिटेल जाना है, तो आप इसके पहले वाला लेक्चर नंबर फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। सर इसको अभी देखना, इस टॉपिक में हमें कवर करना है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां से आगे हमें दो दो इक्वेशन की बातें करनी है। तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल करते हैं हाउ टू फाइंड द साइमल्टेनियस इक्वेशन। मान लो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो कवर किया था उसी एग्जाम्पल को हम कॉपी करते हैं। एक एग्जाम्पल था x+y = 14, ये लीनियर इक्वेशन, और दूसरा था x-y = 2। हाउ टू सॉल्व द दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब एक्स और वाई की किस तरह से वैल्यू मिलेगी जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगी और सेकंड को भी सेटिस्फाइड करेगी, करेक्ट। वैसे इसको सॉल्व करने की जो पहली मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट हम यहां लिख रहे हैं, मेथड फर्स्ट जो है उसे हम नाम देते हैं इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। सर ऐसा नाम क्यों है, तो इसका नाम का मतलब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद बताऊंगा एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। सर इसके जो स्टेप्स है हाउ टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम दो इक्वेशन की बातें कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में स्टेप नंबर फर्स्ट, हमेशा आपको इक्वेशन को अच्छी तरह से लिखना है, x+y = 14 इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, x-y = 2 दिस इज सेकेंड इक्वेशन मान लो, ये दोनों दिए हैं। अभी ऑब्जर्व कर लो, हमें रूल के हिसाब से इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते, तो मैं यहां पे एडिशन करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये एडिशन क्यों करने की और क्यों नहीं करने की ये भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं ऐड करता हूं, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, ऐड करने के बाद आपका इक्वेशन फर्स्ट इस तरह से दिखेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, उसमें ऐड होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और एडिशन करने के लिए आपको x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे, और x y सॉरी प्लस y एंड माइनस y इन दोनों को ऐड नहीं हो सकता, यहां पे होगा सब्सट्रैक्शन, तो बचेंगे कौन 0, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यही कहानी है। इलिमिनेट का मतलब होता है अगर हम दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को किसी तरह से कैंसल करते हैं, वहां से हटाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचेगा। और सभी को पता है इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल होता है, मिसिंग फिगर होती है एक, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यही सबसे पहले यही क्राइटेरिया था कि ऐड करना। तो मैंने इसको देखा था वाई और माइनस वाई को, इन दोनों को एडिशन करने से कैंसिल हो सकता है, अगर दोनों साइन ये सेम होती तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ता, ठीक है, वो भी हम एग्जांपल देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम एडिशन करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एडिशन 16, सो देयरफॉर आप सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, इट इज क्लियर। सो ये था, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सर नेक्स्ट व्हाट, अभी आप क्या कर सकते हो, इसी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर, पुट x इज इक्वल टू 8 इन, चलो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था याद करो जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, इसमें x की वैल्यू कितनी है, अभी सब्स्टिट्यूट करनी है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये दिखेगा कैसे, अभी सबको पता है y की वैल्यू मिलेंगी हमें, तो मैं इस तरह से डियर फोर बोलूंगा y इज इक्वल टू 14 सॉरी माइनस 8, सो डियर फोर y इज इक्वल टू, सब्स्ट्रैक्शन दोनों का कितना आएगा 6। तो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ y एज वेल एज x एज वेल एज, सो नाउ थिंक अबाउट, वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट का भी सॉल्यूशन है और सेकंड का भी साइमल्टेनियस, इसे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो x मतलब 8, y मतलब 6, क्रॉस चेकिंग कैसे आएगी, 8 प्लस 6 14 आ रहा है और 8 माइनस 6 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो गाइज इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, या तो एक बार ऐड कर लो या तो एक बार सब्सट्रैक्ट कर लो, कुछ भी करके हमें क्या करना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके आगे अनदर एक एग्जांपल आने वाला है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि इस मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद थोड़े से अलग टाइप के एग्जांपल आएंगे, उसको भी हम देखेंगे किस तरह से टैकल करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आपको लिख सकते हो नोटबुक में सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे मैंने आपको किस तरह से नोट लिखनी है, यहाँ पे लिखा है मैंने हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, आप ये हेडिंग दे दो, उसके बाद फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड और उसका एक एग्जांपल लिया है, वही एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, तो आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो, सिमिलर सेम एग्जांपल है, तो ये नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जांपल, तो आप बुक्स में ये हेडिंग दे सकते हो कि सेकेंड एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट, रीड विद मी, सम ऑफ एजेस ऑफ मदर्स एंड सन इज 45। देखो वर्ड प्रॉब्लम चल रहे, फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको इसको इंटरप्रिट करना है, अच्छे से समझना है, आंसर लिखने से पहले अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर लिखने में आसानी हो जाती है। सो किस तरह से प्रेजेंट करें, वहां पे देखा जाए तो वहां पे उन्होंने रीड किया है, वहां लिखा है सम ऑफ, चलो किसकी बात कर रही, एडिशन की, किसकी, एजेस के, और एजेस किसके है, मदर एंड सन, इज कितनी है सम 45। बट आपको पता है क्या मदर का एज कितना है, सन का एज कितना है, पता है हमें, वो पता नहीं है, बट उसकी एडिशन अगर हम करते तो 45 मिलने वाली है, एब्सोल्युटली। उसके बाद थोड़ा सा रीड करते, इफ सन्स एज इज सब्सट्रैक्टेड, अगर हम सन का एज जो भी होगा हम सब्सट्रैक्ट करते हैं किसमें से, फ्रॉम टॉइस ऑफ द मदर्स एज। अच्छा मदर्स एज बोला है या टॉइस बोला है, टॉइस मतलब हम सन का एज मदर की एज में से सिर्फ सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो मदर मदर के टॉइस वाले एज से, मतलब अगर मदर का एज कितना है, सपोज मान लो कि एक्स है, तो आपको टॉइस मतलब क्या होगा, 2x, तो
तो इसमें से माइनस क्या करना है हमें, सन का एज, तो हमें वी गेट, हमें क्या मिलेगा 54। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से बातें जो की है हमें उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वेशन। साइमल्टेनियस के प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की पहली मेथड ये होती है कि आप अच्छे से उसको समझ लो, किसी हालत पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालो। साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी मेथड आपको बताई गई है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं वही कोशिश करूंगा। सर इसको क्या करेंगे, जो चीज पता नहीं है उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड द एज ऑफ मदर एंड सन। करेक्ट है, वही तो पता नहीं है हमें, बट पहले लाइन में उनकी एडिशन दी है। तो मैं कोशिश करूंगा मदर का एज एक्स मानने की और सन का एज वाई मानने की। तो स्टार्टिंग विल बी लाइक दिस, जो चीज पता नहीं है उसे लेट मान सकते हैं। लेट मदर्स एज बी एक्स ईयर्स एंड सन्स एज बी वाई ईयर्स। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। चलो अभी आपके पास डमी वैल्यू है, मदर का एज भी पता है, एक्स है, सन का एज भी पता है, वाई है, दोनों के एडिशन कितनी आएंगी 45। तो हम यहां पे बोलेंगे पहले लाइन से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब क्वेश्चन ने जो बताया है, क्या बताया था कि दोनों की एडिशन कितनी है 45 है। तो दोनों की एडिशन मतलब एक्स मदर का एज, वाई सन का एज, दोनों की एडिशन 45। देखो ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन सर्च करना है, दूसरा कौन सा है, इफ सन्स एज इज सब्सट्रैक्टेड, सन्स एज मतलब वाई, सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से, ट्वाइस ऑफ द मदर्स एज, मदर्स के ट्वाइस एज में या मदर की एज में ट्वाइस में से, ठीक है। तो अभी सब्सट्रैक्ट करना है, हमें 54 मिलेगा। तो हम वही कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, जो कंडीशन क्वेश्चन ने दिए है कि ऐसा ऐसा है, क्या है, हम सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ट्वाइस ऑफ द मदर एज मतलब 2x माइनस, क्या माइनस करना है हमें, सन का एज y, एज इक्वल टू हमें कितना मिलने वाला है 54। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो नाउ गाइज वी हैव टू इक्वेशंस। देन अभी अभी हमने पढ़ा था कि इलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाई यूजिंग इलिमिनेशन मेथड इसको हम x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो मदर एज एंड सन का एज पता चल जाएगा। तो हम साथ में करते, देखो किस तरह से, नोटिस कर लो कहां पर है हमारे इक्वेशंस। तो x प्लस y इज इक्वल टू 45, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस y इज इक्वल टू 54, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे पता चलने का, कोएफिशिएंट देखने की, x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो ऐड करोगे तो 3x हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो कोई ना कोई बचेगा। तो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो जहां पे कोएफिशिएंट सेम है उसके बारे में सोच लो। प्लस और माइनस साइन है, अगर हम यहां पे ऐड करोगे तो होगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और अगर साइन सेम होते तो क्या करना पड़ता, सब्सट्रैक्शन। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एडिशन करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप y एलिमिनेट होगा। तो मैं यहां पे कमांड दूंगा एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी जब वीडियो हम देखते हैं तब हमेशा इसको दो बार देखने का, अंडरस्टैंड करने का, लिखने का, ये ट्रायंगुलर स्टडी हमेशा करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो आपको भी करना है मेरे साथ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, ऐड करना है आपको दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 54, और एडिशन केस x प्लस 2x 3x, नो डाउट। उसके बाद यहां पे एडिशन करोगे, प्लस y माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो, यस सर। तो बचे कौन, 0 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की एडिशन अगर करोगे तो यहां पे 5 प्लस 4 यहां पे आएगा 9, 4 प्लस 5 फिर से 9, देखो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 3, ये इधर आके डिवाइड करेगा। तो चेक इट, 99 को अगर डिवाइड करोगे तो किस तरह से दिखेगा, तुम यहां पे लिख रहा हो देयरफॉर x इज इक्वल टू 99 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 थ्री जा और 3 थ्री जा, दैट मींस व्हाट, x इज इक्वल टू 33। तो नाउ वी हैव द एज ऑफ मदर्स, दैट इज मदर्स एज, दैट इज 33 इयर्स। तो आप लास्ट में लिखो
अभी हम क्या करना है, y की वैल्यू दैट इज सन का एज निकालना है. पुट x इज इक्वल टू 33 इन इक्वेशन, जो छोटा दिख रहा है वहां पे पुट कर लो वन में. इक्वेशन फर्स्ट याद कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 45 है. वेरी नाइस. तो x की वैल्यू 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 45. आप कर रहे हो मेरे साथ? बिल्कुल. तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू 45, ये 33 यहां के माइनस होगा. सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू, गाइज कैन यू सब्सट्रैक्ट दिस वन? यस सर. 5 माइनस 3 विल गेट 2, कैरी 1, 4 माइनस 4 वहां पे, अगर 4 माइनस 3 विल गेट 1. तो नाउ वी हैव द वैल्यू दैट इज 12 इज द एज ऑफ सन. तो वी कैन से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. या तो हम वर्डिंग में बोल सकते हैं, फिनिश लाइन क्या बोलेंगे, द एज ऑफ मदर्स एज बी 33, देयर फोर मदर्स एज बी एक्स मतलब इकॉन 33 ईयर्स एंड सन्स एज बी वाई इज इक्वल टू 12 ईयर्स. एक्सक्यूज मी, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. तो आप इसको एक बार लिखो, आप खुद ट्राई कर लो किस तरह से टीचर्स ने कहा था. एक बार दो बार कर लो, पहले अटेम्प्ट में नहीं आता है सेकेंड अटेम्प्ट कर लो और कोशिश कर लो. डेफिनेटली आपको ये मेथड बहुत अच्छे और ईजी जाएंगे. ठीक है, तो यहां तक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑलरेडी दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और एग्जाम्पल मतलब उसी में दूसरा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया हमने. उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम देखा, सम ऑफ. ठीक है, इस तरह से हमें क्या करने हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस करने. आप चाहे तो बुक्स के, आपका जो 9th स्टैंडर्ड का बुक्स है उसमें से जो सॉल्व एग्जांपल है आप वो भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, बट पहले ये दो एग्जांपल एक दो बार कर लो. तो इस वीडियो में हमने दो एग्जांपल किए हैं, बाकी की एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. सो विल स्टॉप टुडे. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. सो गाइज एक ध्यान में रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के मोबाइल में आएंगे. सो विल स्टॉप टुडे. थैंक यू.